हेलो फ्रेंड्स, तो फैन फिक्शन स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की फैन फिक्शन है टाइगर 3 की। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ऐसी और भी ऑसम फैन फिक्शंस मेरे चैनल पे है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको अगर मेरा रिव्यू देखना है, अपडेट्स जानने हैं और ट्रेलर रिएक्शंस को देखना है, तो आप मेरे ZN Speaks वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे सारे अपडेट्स रिव्यूज आपको मिल जाएंगे। तो चलो यार, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें रॉ का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां कर्नल को एक रेडियो मिलता है जिसमें उन्हें एक आवाज़ आती है। कर्नल, अस्सलाम अलैकुम। काफ़ी नाम कर रहा है आपका भारत G20। हाँ, कैसा लगेगा अगर G20 होने से पहले ही वहां पे शांति हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। अब इस मैसेज को सुनने के बाद कर्नल एकदम पागल हो जाते हैं और तुरंत ही G20 की सारी सुरक्षाएं बढ़ा देते हैं। और फिर वो अपने एक ऑफिसर से कहते हैं, कॉल टाइगर। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें रशिया दिखाया जाता है, जहाँ टाइगर स्नो स्लाइडिंग करते हुए एक बंदे का पीछा कर रहा होता है। यहाँ एक काफी अच्छा चेस सिक्वेंस हमें दिखाया जाता है और दोनों एक दूसरे पर फायर कर रहे होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वो इंसान टाइगर के हाथ लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर और भी ज्यादा गुंडे आ जाते हैं और वो सब मिलकर टाइगर पे हमला करने लगते हैं। टाइगर मस्त स्टाइल से अपना गमछा निकालकर उनकी तरफ फेंक देता है और फिर उनसे लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ एक काफी अच्छी फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है और फिर आखिर में वो उन सभी को हराकर उस इंसान को पकड़ लेता है जिसका वो पीछा कर रहा था, और फिर उसके बाल पकड़कर उससे पूछता है, बता लायन कौन है। और तभी उसे कर्नल का रेडियो मिलता है जिसमें वो कहते हैं, टाइगर लायन G20 पे हमला करने वाला है। वी डोंट नो व्हाट्स हिज प्लान, बट फाइंड हिम टाइगर। अब इसके बाद टाइगर फिर से उस इंसान से पूछता है कि बता कौन है लायन, जिस पे वो कहता है, वो एक एक्स ISI एजेंट है और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे मारना मत। पर दोस्तों, तभी टाइगर उसे गोली मार देता है। अब यहाँ से सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें इमरान हाशमी यानी कि लायन दिखता है। वो लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है और उसके कानों में ईयरफोन्स लगे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी से चैटिंग कर रहा है और फिर वो कहता है, जी सर जी, और फिर वो लैपटॉप बंद कर देता है। और लैपटॉप बंद करने के बाद वो हंसते हुए कुछ सोचने लगता है। और फिर यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने ISI को ज्वाइन किया था। यहाँ पे हमें पाकिस्तान की एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे सभी को ट्रेनिंग मिल रही होती है, और वहीं पे लायन पहली बार जोया को देखता है, और जोया को देखते ही उसे उस पर क्रश आ जाता है। वो और जोया एक ही स्क्वाड में होते हैं और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। जोया उसे बताती है कि मैं बस अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ और पाकिस्तान का नाम ऊँचा रखना चाहती हूँ। मेरी एक छोटी बहन भी है जो कि जल्द ही ISI को ज्वाइन करने वाली है, जिसपे लायन कहता है कि हाँ, मैं भी अपने देश को उतना ही प्यार करता हूँ और इंडिया को बर्बाद करना चाहता हूँ। जिसपे जोया कहती है कि क्या मतलब, जिसपे वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता हमारे साथ जाती हुई है, एक छोटा सा पाकिस्तान हमें देकर खुद से अलग कर दिया और बाद में इसी पाकिस्तान के दो टुकड़े भी करवा दिए, मेरा बस चले ना तो मैं इस पूरे हिंदुस्तान को बम से उड़ा दूँ। जिसपे जोया कहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ISI एजेंट्स हैं, हमें बस जासूसी करनी है और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वी आर नॉट टेररिस्ट्स। बट दोस्तों, लायन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जोया जानती थी कि लायन के इरादे सही नहीं हैं और इसलिए वो उसके बारे में अपने हेड्स को बता देती है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानती थी कि अगर इंडिया पे अटैक हुआ तो इंडिया भी चुप नहीं रहेगा और पूरे पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जोया के कंप्लेंट पे लायन को ISI से निकाल दिया जाता है और उसे सजा भी हो जाती है। काफी साल जेल में गुजारने के बाद एक इंसान होता है जो कि उसे जेल से बाहर निकालता है, लेकिन आखिर वो इंसान कौन है ये हमें नहीं दिखाया जाता। अब यहाँ से कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हमें जोया दिखती है। उसका बेटा उससे पूछता है कि माँ, आपने ISI क्यों छोड़ दी, जिसपे वो कहती है कि छोड़ी नहीं बेटा, जब मेरे देश को मेरी जरूरत होगी ना, आई बी बैक। और फिर हम देखते हैं कि तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल पे कौन था ये हमें नहीं बताया जाता, लेकिन जोया उस कॉल को रिसीव करके बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, शायद तुम्हें अपने नाना नानी के पास जाना चाहिए। फिर यहाँ दूसरी तरफ टाइगर लायन के बारे में पता कर रहा होता है और तभी टाइगर को मैसेज आता है कि 2 दिन में इंडिया में G20 होने वाला है और हमें शक है कि लायन उसमें कुछ ना कुछ करने वाला है। टाइगर उस मैसेज का रिप्लाई करता है कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ।
फिर तभी टाइगर को एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि पहले लायन के साथ काम किया करता था। टाइगर उसे ढूंढने लगता है और फिर एक दिन वो उसे एक मॉल में दिख जाता है। अब वो आदमी टाइगर को देखकर भागने लग जाता है, लेकिन टाइगर किसी तरह उसे पकड़ लेता है और फिर उसे पकड़ने के बाद उससे लायन के बारे में पूछता है, जिस पे वो कहता है, मैं बहुत पहले उसके लिए काम किया करता था। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, बट इतना बता सकता हूँ, लायन का भी एक बॉस है और वो उसे सरजी बुलाता है। कोई नहीं जानता कि सरजी कौन है, लेकिन वो हर चीज़ के पीछे है। फिर उसके बाद टाइगर उससे पूछता है कि आखिर ये लोग इंडिया में क्या करना चाहते हैं, जिस पे वो कहता है, दे आर प्लानिंग अ मैसिव अटैक, बट कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, अब ये सब सुनकर टाइगर उसे भी मार देता है और अब सीधा इंडिया रवाना हो जाता है। आज वो पूरे 10 साल के बाद इंडिया वापस आया था और अपने देश को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर सीधा एक आम पब्लिक की तरह G20 में पहुंच जाता है। G20 का कार्यक्रम शुरू होता है और इंडिया के PM सभी के लिए एक वेलकम स्पीच देते हैं, लेकिन फिर तभी उस ऑडिटोरियम में एक मिसाइल अटैक हो जाता है जिससे पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। PM साहब पूरी तरह से चोटिल हो जाते हैं और टाइगर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर आगे हम देखते हैं कि तुरंत ही रॉ की एक स्पेशल मीटिंग बैठती है और उन्हें पता चलता है कि इस अटैक को इस्तांबुल से प्लान किया गया था। अब ये सब पता चलने के बाद टाइगर तुरंत ही इस्तांबुल निकल जाता है और वहां जाकर लायन की लोकेशन ढूंढने लगता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो उसे लैपटॉप के सामने एक लड़की बैठी दिखती है, पर दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जोया थी। टाइगर उसे देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो। और फिर तभी टाइगर को कर्नल लूथरा का कॉल आता है, जहां पे वो उसे बताते हैं, टाइगर आई एम सॉरी बट हमारे हिसाब से वो अटैक जोया ने करवाया है। किल हर राइट अवे टाइगर, मैं जानता हूं वो तुम्हारी बीवी है, बट मत भूलो शी इज अ फकिंग पाकिस्तानी ISI एजेंट। टाइगर के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपनी बंदूक निकालकर उसे शूट करने वाला होता है, बट उसे शूट करने से पहले वो जोया से पूछता है कि क्यों किया तुमने ऐसा, जिस पे जोया उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि कैसे ट्रेनिंग के दौरान वो लायन से मिली और वो एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान था। फिर आगे वो कहती है, मुझे एक कॉल आया, कॉल लायन का था। टाइगर मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, मेरी एक बहन भी है जो कि ISI में काम करती है, वो लायन के कब्जे में है। यह अटैक मैंने नहीं किया, लायन ने किया है। मैं यहाँ बस अपनी बहन को बचाने आई थी और इस लैपटॉप में मैं लायन का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। बस टाइगर वो मेरी बहन को मार देगा, क्योंकि वो मैं ही थी जिसने उसे ISI से निकलवाया था और वो मुझसे इसी बात का बदला लेना चाहता है। अब दोस्तों ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों को एक आवाज़ आती है, और उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा जोया। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लायन और उसकी आर्मी पहुँच जाती है। फिर लायन कहता है, अरे 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 जमाई राजा, हेलो टाइगर, मी द लायन। पता है अपने को जोया से काफ़ी लगाव था, लेकिन साली बड़ी कमीनी निकली। वैसे कैसा लगा मेरा अटैक? अभी तो ऐसे और भी बहुत सारे अटैक्स झेलने होंगे तुम्हारे भारत को। जिस पे टाइगर कहता है, जब तक टाइगर जिंदा है तब तक उसके देश को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और ये कहने के बाद वो लायन पे अटैक कर देता है। यहाँ पे एक काफी अच्छा फाइट सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे टाइगर लायन को बहुत मारता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लायन भी हार नहीं मानता और दोनों की टक्कर की फाइट होती है। काफी देर तक फाइट होने के बाद लायन एक केमिकल गैस रिलीज करता है, जिससे टाइगर बेहोश हो जाता है और लायन जोया को किडनैप करके वहां से निकल जाता है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि जब टाइगर को होश आता है तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है, क्योंकि इंडिया में लायन ये अफवाह फैला देता है कि G20 में हुए अटैक में जोया और टाइगर मिले हुए थे। अब क्योंकि टाइगर ने जोया को अरेस्ट नहीं किया, इसलिए रॉ भी टाइगर को गद्दार समझ बैठती है और फिर रॉ पहली बार टाइगर की फोटो को आम जनता के सामने रखती है। देखते ही देखते पूरा हिंदुस्तान टाइगर के खिलाफ हो जाता है और टाइगर को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। फिर तभी वहां कुछ अफगानी आतंकवादी आते हैं, जो कि टाइगर को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। दोस्तों ये आतंकवादी असल में लायन के आदमी थे। फिर आगे हम देखते हैं कि टाइगर को एक बेसमेंट में कैद कर दिया जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा बेबस हो चुका था। टाइगर चुपचाप बैठा होता है और तभी उसके पास एक आदमी आता है, जो उसे एक रेगिस्तान जैसी जगह पर ले जाता है और फिर वो उससे कहता है, कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। जिस पे टाइगर कहता है, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तुम सब एक बार पीछे मुड़कर देखो, क्योंकि शायद उसके बाद तुम लोगों को अपनी आखिरी इच्छा बतानी पड़ जाए। और फिर दोस्तों हम देखते हैं कि पीछे एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है, जिसमें पठान लटका हुआ होता है
और वहीं से वो सभी पे गोलियां चलाने लगता है। जल्दी ही और भी अफगानी टेररिस्ट वहां पे आ जाते हैं और पठान उन सभी को गोलियों से छल्ली करने लगता है और उन सभी को मारने के बाद वो टाइगर के पास आता है और इस बार वो उसे पेन किलर देता है। और फिर यहां से हमें एक एपिक फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है जिसे मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, बट भाई इतना जान लीजिए कि ये बैटल पठान वाले बैटल से 10 गुना ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। काफी देर तक ये बैटल हमें दिखाई जाती है और आखिर में इन सभी को हराने के बाद हमें पता चलता है कि जब लायन और टाइगर की पहली बार फाइट हुई थी तो उस वक्त जोया ने पठान को मैसेज कर दिया था और जोया के मैसेज मिलने के बाद ही पठान यहाँ टाइगर को बचाने आया था। फिर आगे हम देखते हैं कि टाइगर पठान से पूछता है, मेरा देश मुझे गद्दार समझता है लेकिन तू फिर भी मेरी मदद को आया, तुझे मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? जिस पे पठान कहता है, क्योंकि तू भाई है मेरा और चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए लेकिन तेरा पठान हमेशा तेरे साथ है, और हाँ तेरे ऊपर जो दाग लगे हैं ना उसे साफ भी तुझे ही करना होगा। अपने देश के सामने जा और उन्हें बता कि तू गद्दार नहीं, बहुत बड़ा देशभक्त है। और फिर तभी पठान की घड़ी आवाज़ करने लग जाती है और पठान कहता है, उप्स यार अब मुझे जाना होगा, वो मेरी वाली है ना रुबई, पता नहीं यार कहाँ चली गई, मिली नहीं रही, तो थोड़ा ढूंढता हूँ उसको जाके क्योंकि यार उसके बगैर मन नहीं लगता यार मेरा। जिस पे टाइगर कहता है, तेरे को भी पाकिस्तानी लड़की ही मिली। जिस पे पठान कहता है, क्या करूँ यार ये पाकिस्तानी लड़कियाँ होती ही कमाल है। तो दोस्तों अब ये सारी बातें होने के बाद पठान वहां से चला जाता है और टाइगर जोया को ढूंढते हुए एक अननोन लोकेशन पे पहुंचता है जहां पे लायन ने जोया को पकड़ रखा था। रास्ते में टाइगर को बहुत सारे सोल्जर्स भी मिलते हैं जिनको वो एक एक करके मारने लगता है, लेकिन उनसे लड़ते लड़ते यहां पे टाइगर को एहसास होता है कि शायद अब उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए उन सभी सोल्जर्स को मारने के बाद वो अपना लैपटॉप निकालता है और सभी इंडियन सैटेलाइट्स को हैक कर लेता है ताकि वो अपना आखिरी मैसेज इंडिया को दे सके। और उस मैसेज में टाइगर पूरे इंडिया को अपने पिछले 20 साल में हुए मिशंस के बारे में बताता है, अपने बेटे के बारे में बताता है और आखिर में पूरे इंडिया से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगता है। इसी दौरान बाहर और भी टेररिस्ट आ जाते हैं और टाइगर जय हिंद बोलकर उनसे लड़ने निकल जाता है। अब दोस्तों यहां से हमें एक बहुत ही एपिक फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है जहां पे हमारा टाइगर जो है वो वन मैन आर्मी बन जाता है। बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं और टाइगर मशीन गन से सभी के चीथड़े कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में टाइगर भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उस जगह पे पहुंचता है जहां जोया कैद थी। लेकिन दोस्तों वहां पे जोया अकेली नहीं थी, जोया के साथ वहां पे एक और लड़की कैद थी जो कि थी रुबई। और फिर दोस्तों यहाँ पे ये रिवील होता है कि असल में जोया और रुबई बहनें हैं लेकिन ये दोनों कभी भी आपस में कॉन्टैक्ट्स में नहीं थी। और फिर तभी वहाँ पे लायन की भी एंट्री होती है और वो टाइगर से कहता है, टाइगर 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 अभी से आधे घंटे के अंदर इंडिया में एक न्यूक्लियर अटैक होने वाला है जो कि तुम्हारे पूरे देश का नक्शा बदल देगा। और एक और सरप्राइज है मेरे पास, तुम्हारी बीवी खुद एक ह्यूमन बॉम्ब बन चुकी है मेरे भाई, उसके कमर पे एक डिवाइस है जो अगेन आधे घंटे में ब्लास्ट कर जाएगा, और उस बॉम्ब का रिमोट गेस करो किसके पास है? लायन के पास। सो टाइगर, किसे चुनोगे, अपने देश को या अपनी बीवी को? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से एक फाइट सीक्वेंस शुरू हो जाती है। फाइट करते करते टाइगर किसी तरह से रुबई को आजाद कर देता है और फिर रुबई भी टाइगर के साथ मिलकर सभी से फाइट करती है, और इसी फाइट के दौरान टाइगर रुबई से कहता है, तुम जोया को आजाद करो, मैं लायन से निपटता हूँ। और दोस्तों फिर टाइगर और लायन के बीच हमें एक चेस सीक्वेंस दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि भारत में न्यूक्लियर अटैक होने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, और अब इस चेस सीक्वेंस के बाद टाइगर और लायन के बीच हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। दोनों शर्टलेस हो जाते हैं और एक दूसरे से फाइट करते हैं। ये लड़ाई बहुत ज्यादा टक्कर की होती है और टाइगर लायन को बहुत मारता है, और तभी हम देखते हैं कि वहां पर जोया भी पहुंच जाती है। लायन अब पूरी तरह से घायल हो चुका था और वो जोया को देखकर कहता है, तू अगर मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, और ये कहकर वो धोखे से टाइगर पे गोली चला देता है। फिर लायन कहता है, तू हार गया टाइगर, और अब ये बटन दबाते ही तेरा देश भी हारेगा और जीत मेरी होगी। लेकिन दोस्तों तभी फिर टाइगर खड़ा होता है और कहता है, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, और फिर वो स्क्वॉश करते हुए लायन की गर्दन पे अटैक करता है।
लेकिन दोस्तों तब तक लायन उस रिमोट के बटन को दबा चुका था। लेकिन दोस्तों उसके बटन दबाने पे भी कुछ नहीं होता और लायन पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, इंडिया पे अटैक क्यों नहीं हुआ। और फिर दोस्तों तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे ऋतिक रोशन की, यानी कि कबीर की। और कबीर कहता है, हर बाप का एक बाप होता है और तेरा बाप टाइगर है। और यार फिर यहीं पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जब टाइगर ने इंडियन सैटेलाइट्स को हैक किया था तो उसने कबीर को भी एक मैसेज छोड़ दिया था, क्योंकि टाइगर को पहले से ही अंदाजा लग चुका था कि इंडिया पे और भी अटैक्स होने वाले हैं। इसलिए वो कबीर को इस बारे में मैसेज कर देता है और टाइगर का मैसेज मिलते ही कबीर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था और फिर किसी तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब का पता लगाकर उसे डिफ्यूज भी कर दिया। अब यहां से ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और टाइगर और कबीर मिलकर लायन को बहुत मारते हैं। लायन अब मरने वाला था, लेकिन मरने से पहले वो कहता है, तुम लोगों ने मुझे तो मार दिया लेकिन सर जी को कैसे हराओगे। और ये सब कहकर वो मर जाता है। टाइगर कबीर से कहता है कि यार आखिर ये सर जी है कौन, जिसको देखो सर जी। जिस पे कबीर कहता है, उसका तो नहीं पता, बट टाइगर मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे पता चला कि G20 में हुए अटैक्स के पीछे वो सर जी ही था, और ये जितने भी विलन से हम लड़ रहे हैं ना, वो सभी उसके लिए ही काम कर रहे हैं। और ये सब कहने के बाद वो टाइगर को रुबाई की फोटो दिखाते हुए कहता है, टाइगर ये एक ISI एजेंट है जो कि मेरे हिसाब से सरजी से मिली हुई है। इनफैक्ट तुम्हें और जोया को यहाँ तक लाने में इस लाइन की मदद भी इसी ने की थी। अब दोस्तों ये बात सुनकर टाइगर और जोया शॉक हो जाते हैं और टाइगर जोया से पूछता है, रुबाई कहाँ है। जिस पे जोया बताती है, मुझे छुड़ाने के बाद वो कहीं चली गई, जाते हुए उसने कहा कि मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। जिस पे कबीर कहता है, वी हैव टू फाइंड हर टाइगर, ये लड़की कुछ बुरा करने वाली है। जिस पे टाइगर कहता है, यार बुरा तो अपने पठान के साथ हो गया, अपना भाई प्यार में गिर गया था यार उसके, जरा कॉल तो करूं उसको मैं। अब दोस्तों यहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अननोन पैलेस दिखाया जाता है जहां एक आदमी चेयर पर बैठकर सिगार पी रहा था, और तभी वहां उसके पीछे से रुबई आती है और कहती है, सर जी आपका काम हो गया सर जी। फिर तभी वो आदमी मुड़ता है और हमें सरजी का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है जो कि होते हैं हमारे संजय दत्त। और फिर यहीं से ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज दैट्स इट, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। यार मैंने एक अच्छा सा पोस्ट क्रेडिट सीन भी सोच रखा था इसके लिए जो कि टाइगर वर्सेस पठान को सेटअप करता, लेकिन भाई अब क्योंकि टाइगर 3 इज वेरी क्लोज और ये बस एक फैन फिक्शन स्टोरी है तो इसलिए मैंने सोचा कि पोस्ट क्रेडिट सीन को ना ही रखूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पोस्ट क्रेडिट सीन देने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि अब टाइगर वर्सेस पठान की जब भी मैं फैन फिक्शन बनाऊंगा तो वो टाइगर 3 को देखने के बाद ही बनाऊंगा, और टाइगर 3 को देखने के बाद ही उसके हिसाब से ही मैं पठान वर्सेस टाइगर के ऊपर फैन फिक्शन बनाऊंगा। तो यार इसलिए मैंने सोचा पोस्ट क्रेडिट सीन हटाओ। लेकिन यार अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।